राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक का विस्तार किया है। दिल्ली की आप सरकार ने सोमवार को 20 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक शुरू किए हैं, जिनमें BMI आंखों की रोशनी से लेकर मानसिक स्वास्थ्य और तनाव तक की बीमारियों का हम हर साल कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच के साथ अपने छात्रों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। स्वास्थ्य क्लिनिक के शुभारंभ के अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ अन्य नेता मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पश्चिमी देशों में भी ये सुविधा नहीं है, दुनिया में पहली बार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी शुरुआत हुई है। बताया कि दिल्ली के 20 सरकारी स्कूलों में स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक शुरू किए गए हैं। हर क्लिनिक में डॉक्टर्स, नर्स और पेस्टियोलॉजिस्ट रहेंगे। साथ ही दावा करते हुए कहा कि ब्रिटेन, फिनलैंड, USA समेत पूरी दुनिया के स्कूलों में ऐसे क्लिनिक कहीं नहीं है। दिल्ली के अंदर 20 स्कूलों के अंदर स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट किए गए हैं। ये आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का एक्सटेंशन है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, बिल्कुल आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे किया जा रहा है। और आइडिया ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों का कंप्लीट हेल्थ चेकअप के साथ ट्रीटमेंट तक का सारा काम किया जाए। ज़्यादातर ये कहते हैं कि जी हमारे को एक वैन लगा दीजिएगा, वैन से आएंगे, साल में दो साल में एक बार आएंगे, चेक करके चले जाएंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। इसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कि हर बच्चे को कम से कम साल में दो बारी कंप्लीट हेल्थ चेकअप कम से कम दो बारी होगा, जिसके अंदर उसके सारी पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा। अभी बच्चों के अंदर देखिएगा, काफ़ी बच्चों के अंदर BMI कम निकल रहा है उनका, हम कह रहे हैं ओबेसिटी भी है, बहुत कम बच्चों में, सरकारी स्कूलों में मतलब 2-3% बच्चों में ओबेसिटी है, बट 20-25% बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जो कि जिनका अंडर वेट है, एनीमिया की दिक्कत काफ़ी कॉमन निकल रही है, कई बच्चों को जैसे आइज़ की प्रॉब्लम है, बहुत लेट जाके पता लगती है, तो हम आइज़ को चेक करेंगे, ईयर हियरिंग को चेक करेंगे। सत्येंद्र जैन ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के साथ एक क्रांतिकारी और अनूठी परियोजना और भारत का पहला आम आदमी स्कूल क्लिनिक का उद्घाटन किया। पहली बार स्कूल परिसर के भीतर सभी छात्रों को एक छत के नीचे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।